नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इंडिगो की फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मारा। उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज था युवक, बोला चलना है तो चलो, नहीं तो गेट खोल दो। बिलासपुर में महिला टीचर ने थिनर डालकर किया आत्मदाह, पैसे की डिमांड कर मारपीट करता था पति, 2 साल पहले की थी इंटरकास्ट लव मैरिज। पटना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने युवक को कुचला, घटनास्थल पर ही युवक ने तोड़ा दम, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। तीसरा बेटा जन्मा तो पिता ने मार डाला, बैतूल में 12 दिन के नवजात का गला घोटा, अब बेटी चाहता था आरोपी। राम मंदिर रात में सोने की तरह चमकेगा, ग्राउंड फ्लोर पर सोने के 14 दरवाजे लगाए गए, गर्भगृह में होगा सिर्फ 1 दरवाजा। स्वास्थ्य मंत्री बोले चिरंजीवी योजना फर्जी थी, 8 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज किसी को नहीं मिला, आयुष्मान स्कीम को बनाएंगे सक्सेसफुल। छत्तीसगढ़ में बस से कुचलकर 3 की मौत, 15 घायल, महेंद्रगढ़ में हादसे के बाद पेड़ से टकराकर पलटी, तीर्थ यात्रियों को लेकर लौट रही थी। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर संगम में उमड़ा जन सैलाब, 8 घाटों पर हर हर गंगे गूंज रहा, लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, काशी में 84 घाटों पर स्नान। हरियाणा के स्कूलों में 20 जनवरी तक छुट्टी, 3री क्लास तक बंद रहेंगे, 4थी और 5वीं का फैसला डीसी लेंगे, नई टाइमिंग फिक्स। जींद पहुंचा बीएसएफ जवान सत्यवान का शव, सैन्य सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार, असम में हार्ट अटैक आने से हुई मौत। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।